वेलकम बैक टू माई चैनल परवी सोनी ब्लॉग। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा सा ना पालकी निकलता है, साईं बाबा का पालकी यात्रा निकलता है और हम लोग बहुत पहले एक बार गए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद आज जा रहे हैं। बहुत दिन से मन कर रहा था कि पालकी में हम लोग भी साथ में चले और बहुत ही, तो क्या आगे कैसे क्या पालकी निकलता है, कैसे क्या होता है, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगी बताऊँगी। सो पहले चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। पहले चलते हैं। जो पालकी निकलता है वो साईं मंदिर से निकलता है, ठीक है, बट हम लोग सोचे कि यहाँ पे हमारे घर के पास आता है, मतलब तो वहीं से हम लोग वो ज्वाइन कर लेंगे मतलब, और वहीं से हम लोग पालकी में साथ साथ चलेंगे। बच्चे गाइस, बच्चे हम लोग लेट लगती है, इतने लेजी इंसान है ना हम लोग, इतना लेजी क्या बताऊँ। लेट उठे और मम्मी हम लोग को पूरी चिल्ला रही थी, तुम लोग लेट करोगी, लेट करो, सच में लेट हो गया। और पालकी कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। सो अब हम लोग ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। A few moments later. कुछ इस तरीके से साईं बाबा का पालकी निकलता है और देखो कितने सारे लोग हैं। बोलो साईंनाथ महाराज की जय। शामिल हुए थे बाबा की पालकी में और यहाँ पे ना बीच बीच में आपको भंडारा मिल जाएगा खाने के लिए, यानी प्रसाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद को खाया क्योंकि मुझे लगा था बहुत तेज वाला भूख, क्योंकि घर से ना हवा के हम लोग निकल गए थे पालकी के लिए। सो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने टीका वीका लगवाया एंड जहाँ जहाँ आपका प्रसाद भंडारा मिलेगा वहाँ पर आपका पालकी रोका जाता है और जो जो लोग उन्हें बुलाते हैं उन वो लोग आरती वारती करते हैं, उतने देर में जितने सारे लोग हैं, जितने भक्त हैं साईं बाबा के, वो सारे प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ पे देख लो कितना अच्छा भीड़ है और कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम और यहाँ हंस रहे थे कि पूरे आधा घंटा से पानी मांग रहे थे और जल्दी मिल नहीं रहा था। तो साईं बाबा की निकली है दिल से। एक ग्रुप में ज्वाइन हो चुकी है। आगे अपनी बड़ी मम्मी के घर, क्योंकि बड़ी मम्मी के घर आरती पूजा होने वाला है और साईं बाबा को आप अपने घर भी बुला सकते हो आरती वारती करने के लिए। आज हमारे घर फर्स्ट टाइम बड़ी मम्मी आई है अपने घर, ये देखो हम लोग आ गए कालिया स्थान। तो बस दिखाते हैं ऐसे साईं बाबा का पूजा जो हो रहा है बड़ी मम्मी के घर, और अब बड़ी मम्मी के घर उतरने वाला है मस्त आरती। और यहाँ पे भी प्रसाद की व्यवस्था है, तो पूरा सब लोग जितने साईं भक्त आए सबको प्रसाद खिलाया जाएगा। ये देखो डोली आ गई, तो चलो हम आपको दिखाते हैं आरती। प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, तो सब साईं भक्त यहाँ पर आए और प्रसाद खा रहे हैं। भाभी लोग पूजा हो जाए की है, तो खा ही नहीं रहे बहुत ज्यादा है। पूरा व्यवस्था भैया का है, क्या बोलना चाहते हैं भैया, कैसा लग रहा है?
ओम साईं बाबा का यात्रा है, ये पालकी यात्रा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लोग सब लोग प्यार से खा रहा है। साईं बाबा का प्रसाद है ये। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा धूप परेशान किया है बट ठीक है, भगवान अगर साथ रहेंगे तो आपको धूप छाँव कुछ नहीं लगेगा। सो अभी तक प्रसाद चल रहा है, जितना मन उतना खाओ जब तक आपका पेट ना भरे मन ना भरे। सो प्रसाद में मीठा और नमकीन दोनों ही था, और लोग देखो मतलब जिसको ज़्यादा छाँव मिल रहा है सब लोग आराम से बैठ के खा रहा है। वैसे अंदर बहुत ही बड़ा सा हॉल वॉल सब है, तो कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहाँ जैसे मन वैसे बैठ के खा रहे हैं। सो बस देख सकते हो आप लोग। तो गाइस सब लोगों ने हलवा और छोले खाने के बाद यहाँ पे चल रहा था बिरयानी रायता और सलाद, तो यहाँ पे सारे लोग वो खा रहे थे। एंड यहाँ पे मैं और मौसी से बात कर रही थी कि हम लोग घर के हैं तो हम लोग बाद में भी खा सकते हैं, और गाइड बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा चल रहा था इसके चलते मेरा वॉइस अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, बट मैं बहुत जल्द माइक लेने वाली हूँ इससे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भी ऐसा मन करता है ना कि मैं भी ये सारी चीज़ कुछ करवाऊँ, तो बस भगवान मेरे पर ध्यान दे और मैं कुछ ऐसा करवाऊँ, मुझे ये सारी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये लाइफ इंजॉय कर लेना चाहिए वरना बाद में आपको पता नहीं रहता आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। सो बस आप लोग देखो, देखिए देखिए क्या क्या है, क्या क्या है इसमें है, बिरयानी रायता सलाद। वाओ। Two hours later. बहुत थक चुके थे लोग तो यहाँ पे रेस्ट करी और प्रसाद ग्रहण करती है पल्लवी सोनी। हेलो जी, ढंग से थोड़ा खाया करो पागल। बड़ी मम्मी घर आ गए हैं, अब बड़ी मम्मी घर प्रसाद खा रही हैं, उसके बाद फिर आगे चलना है। कहाँ तक जाइएगा? महावीर स्थान जाएंगे, जहाँ तक हमारा पैर साथ दे तहाँ तक हम चलेंगे। मेरा पैर यहीं तक साथ दिया है। पानी का बोतल में दे दो, गिलास दे दो। लाने गए डिस्पोजर। साईं भक्त थे जो साईं बाबा के मंदिर में जितनी औरत लोग होती हैं साईं बाबा की सेवा में लगी रहती है, सबका कॉस्ट्यूम एक जैसा है, मतलब औरत में साड़ी है सबका एक जैसा, देख लो आप लोग में आएगा तो यहाँ पे सब आंटी लोग जितनी है सबका साड़ी एक तरह से, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ठीक है। और ये सारा आंटी लोग योगा भी करने जाती है हमेशा डेली, तो ये योगा ग्रुप भी है एक तरीके से। बाकी ओम साईनाथ, सब आप लोग यूट्यूब पे आने वाली है, सब ये लोग यूट्यूब पे कल भी सोनी ब्लॉग देखिएगा सब आएगा। सो गाइस यहाँ पे मेरी मौसी सबको प्रचार करते चल रही है कि पल्लवी सोनी यूट्यूब पे आप लोग सर्च कीजिएगा, ब्लॉग आएगा। तो चलो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। गाइज हमारे साथ हो गई थी बहुत ही बड़ी वाली गलती कि हम लोग छाता नहीं लेकर आए थे और बहुत ज़्यादा धूप था जिसके चलते हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। हम देखो कैसे दुपट्टा ओढ़ कर चल रहे हैं, धूप तो इतनी कड़ा होते जा रही थी ना कि हम लोग क्या बताएं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि इतने सारे लोग के साथ चलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हमें इतना अच्छा मौका मिला, इसको हम लोग गंवा नहीं सकते। बाबा का बुलावा है इसलिए चल रहे हम लोग पैदल, मेरे से तो अब चला नहीं जाएगा। जय साईं राम। अब वहाँ से हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, और चार साल के बाद पार्टी यात्रा बहुत जगह से लोग आए हैं, टिहरी से आए, रोहतास से आए हैं, यहाँ तक झारखंड से आए हैं, दो बार हमारे पार्टी यात्रा है, बहुत जगह से आए हैं। तो उल्लास से हम लोग पार्टी यात्रा निकाल रहे, मतलब कोई मकान ही नहीं है, भगवान का वो है। One hour later. महावीर स्थान मंदिर और मंदिर बंद है, और इतना गर्मी इतना पूरे बॉडी से ना आग फेंक रहा है, सबका हालत देखो आप लोग कैसा लग रहा है, सबका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सो यहाँ पे सब लोग घूम कर लड्डू और पानी वगैरह ये सब पी रहे हैं, अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे
पे हमें मिला है, दूसरे साइंस सेवक के घर आए हैं तो चाट मिला है खाने के लिए। बहुत गर्मी है, देखो एक रूम में कितने सारे लोग बैठे हैं, सिर्फ हवा खाने के लिए। फैन की वजह से इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी क्या बताएं। बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। बट हम लोग पहले रूम में बैठ गए, चलो यहीं पे हम लोग को चाट मिल गया, तो पहले हम लोग चाट को खाते हैं फिनिश, उसके बाद। ये हमारे सर Two hours later. बस बहुत अच्छा लगा, बट मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गई, मैं मतलब बीच से, मैं आप लोगों को बोले ना, ऑटो से हम लोग आ गए थे, फिर वहाँ से बड़ी मम्मी के घर आए। बड़ी मम्मी के घर था भंडारा, ये जो भी खिलाया जाता है प्रसाद में। फिर उसके बाद हम लोग कुछ आगे महावीर स्थान तक गए, फिर उसके बाद हम लोग ऑटो से आ गए, क्योंकि गाइस इतना धूप था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, तो काफ़ी ज़्यादा धूप था, इसलिए बहुत मेरे सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है। सो अभी मैं जस्ट फेस वॉश वेस वॉश कर ली हूँ, और आज हम लोग को कहीं और भी जाना है। सो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पल्वी सोनी ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और नेक्स्ट ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कम बैक टू माय चैनल पल्वी सोनी ब्लॉग। ऐसे आप सभी, आई होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आप सभी को मैं बता दूँ कि मैं बोल रही थी कि मैं पार्टी में आने वाली हूँ, कुछ यहाँ तो हम आए रिसेप्शन पार्टी में, और गाइज आज मेरे साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया है। जो आउटफिट मैं पहनने वाली थी वो उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया। सो बस मुझे जो मिला वो पहन कर आ गए। सो चलते हैं अंदर। पूजा के नानी घर, उसके भैया का रिसेप्शन पार्टी है। आप लोगों को बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना दूर के रिलेशन में ये लोग जा रही है। सो गाइस दूर का रिलेशन है, बट हम लोग के साथ जिनका शादी हो रहा है, जिनका रिसेप्शन पार्टी है, उनसे हम लोग इतना क्लोज है ना कि हम लोग को आना पड़ा। और भैया इतना रिक्वेस्ट किए थे आना ना आना ना, तो बस आना ही पड़ा। तो हम सभी आ गए, और कैसा लग रहा है आप लोगों को? बस गर्मी है इसलिए हम लोग थोड़ा सा अब ऊपर घर में आ गए, फिर अभी हम नीचे जाके आप लोग को दुल्हा दुल्हन सबसे मिलवाएंगे एंड हर चीज़ दिखाएंगे। सो ब्लॉग में बने रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी मुबारक हो। बहुत कुछ ज्यादा आप लोग साइड में खाना खा रही हैं। खाने में तो गर्मी लग रहा है। ये देखिए ये लड़की लड़की है, आज का नाम है ये हमारे मामी बहिन शिवगंज के। चलेगा नाचे?